टमाटर की सुर्खियां कुछ कम हुई तो प्याज अपने तेवर दिखाने लगा। जो मंडियों में प्याज है या जो फुटकर मंडियों में प्याज है उनमें लगातार कीमतों में इजाफा हो रहा है। इस वक्त मैं जानकीपुरम की एक सब्जी मंडी में हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि प्याज रखा है, टमाटर भी रखा है। टमाटर के भाव कुछ कम हुए हैं लेकिन अब प्याज लगातार महंगा होता चला जा रहा है। यहाँ जो स्थानीय दुकानदार हैं उनसे भी हम समझेंगे कि आखिरकार ये पूरी कहानी है क्या। नाम क्या है आपका? महमूद आलम। महमूद भाई थोड़ा आगे आइए। महमूद आलम। अच्छा, ये जो प्याज आप बेच रहे हो क्या भाव है? ये 30 रुपए किलो है। 30 रुपए किलो जी। अच्छा, तो 30 रुपए किलो ये आज का रेट है या लगातार यही रेट था? नहीं, ये इससे पहले 50 की 2 किलो चल रही थी। 50 की 2 किलो 20 रुपए किलो। 20 रुपए किलो। इधर 2-4 दिन से रेट बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? अब मंडी में बढ़ा तो भाई यहाँ बढ़ेगा ही। मंडी में 27-28 रुपए की 26 रुपए की प्याज हो रही है। अच्छा, इसकी वजह से रेट बढ़ा है। तो ये जो प्याज आप बेच रहे हो ये कहाँ से आता है? ये नासिक से आता है। नासिक से आता है, महाराष्ट्र से आता है। महाराष्ट्र से। तो महाराष्ट्र की मंडी में तो रेट लगभग डबल ट्रिपल हो रहा है थोक मंडी में, उसका असर यहाँ पर आएगा? बिल्कुल आएगा, वहीं से आता है तो असर तो आएगा ही। अच्छा जी, क्या उम्मीद करते हैं अगले कुछ दिन में क्या रेट होगा? ये जाएगी मेरे ख्याल से 40 रुपए किलो 50 रुपए किलो प्याज जाएगी। 40-50 रुपए जी। आज ये फुटकर में 30 रुपए के रेट में बिक रहा है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले टाइम में इसके दाम जो है 40 से 50 रुपए किलो हो जाएंगे। क्या महंगाई पीछे वजह है, क्यों महंगा बिक रहा है? जब खेती होगी, किसानी होगी तो महंगा होगा ही जरूर। अच्छा, जब बाहर से आता है तभी तो, जब मद्दा सैकड़ गाड़ियाँ लग जाती है तो मद्दा टमाटर और प्याज बिकने लगता है। अच्छा, हर यही सब्जी है। तो आज मंडी का रेट क्या होगा प्याज का? प्याज का 28 रुपए 30 रुपए है मंडी का, थोक मंडी आज का रेट। हाँ, लेकिन ये तो फुटकर में बेच रहे हैं 30 रुपए। तो पिछला है ना, पिछला बैलेंस का है तो भी बेच रहे हैं। अब जो आज लाएंगे तो जो है बेचेंगे 30 रुपए। महंगाई अपना असर दिखाना शुरू कर चुकी है, मतलब ये आज मंडी में 30 रुपए पहुंच चुका है। लौकी 30 में हो गई है, तुरई 40 में हो गई है, थोक रेट 50-60 रुपए बिकती है। टमाटर के दाम कम हो रहे हैं? खाई टमाटर एक हुआ है 60-70 रुपए किलो बस। 60-70 रुपए मंडी में आ गया? हाँ, मंडी में आ गया। टमाटर कम हो रहा है, कीमतें कम हो रही हैं लेकिन प्याज की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। मैं अपने कैमरामैन प्रेम सिंह से कहूँगा दिखाएं आगे भी, जो ये जानकीपुरम की सब्जी मंडी है वहाँ भी प्याज समेत दूसरी जो सब्जियाँ हैं उन सबकी बिक्री की जा रही है लेकिन प्याज के दाम उम्मीद की जा रही है कि आगे आने वाले वक्त में बढ़ जाएंगे। भैया आपका नाम क्या है? संतोष चौरसिया। संतोष भाई, ये प्याज का जो भाव है आज का रेट क्या है? आज का रेट सर जी 30 रुपए किलो। 30 रुपए किलो। और इधर अगर मैं एक दो दिन की बात करूं, 2-3 दिन 4 दिन पहले का, तो क्या रेट था? तब 20 से लगा के 25 तक थे। अच्छा, मतलब 20 रुपए से 25 रुपए का रेट था, हफ्ते भर में 10 रुपए किलो महंगा हो गया। रेट बढ़ा है। कितने दिन में? 3 दिन में। 3 दिन में क्या से क्या हो गया? 3 दिन में हो गया 20-25 था, उससे लगा के 30 से 35 बढ़ गया। अच्छा, 3 दिन में जो रेट है वो लगभग डबल होता दिख रहा है, क्यों महंगा हो रहा है? ये कहाँ से आता है प्याज? ये नासिक से आता है। नासिक से आता है। और महंगाई की वजह क्या है, क्यों ऐसा महंगा? महंगाई की वजह क्या, सावन की वजह से थोड़ा डाउन था, सावन के बाद और भी बढ़ने की उम्मीद है। अच्छा, सावन में लोग कम खाते हैं इसलिए थोड़ा सस्ता था, अब सावन धीरे से खत्म होने जा रहा है तो ये महंगा हो जाएगा जी। और कुछ बारिश का भी प्रभाव है। अच्छा, तो ये अभी क्या उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में क्या रेट तक पहुँच जाएगा? आने वाले दिनों में मान के चलिए 100 का 2.5 किलो 40 या 40 से 50 तक जा सकता है। 40 से 50 रुपए किलो टमाटर पहुँचने की उम्मीद, क्षमा कीजिएगा, प्याज के पहुँचने की उम्मीद है क्योंकि जो थोक मंडी है उसके जो दाम हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और जो आवक है टमाटर की वो नासिक महाराष्ट्र की मंडियों से है। ऐसे में अगर वहाँ की मंडियों का रेट बढ़ेगा तो निश्चित रूप से जो यहाँ पे आ जाता है उसके दाम भी बढ़ना तय है। उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ ही दिनों में 30 रुपए किलो बिकने वाला प्याज 40 से 50 रुपए किलो बिक सकता है। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ संजय त्रिपाठी, ABP News, लखनऊ।